हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आपके जो बाकी के सब्जेक्ट के सिलेबस बचे हुए थे उनका अपडेट भी अब वेस्ट बंगाल बोर्ड के वेबसाइट पर आ गया है। तो जिनका भी बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज था, उन सब्जेक्ट्स को छोड़ करके और जो भी पिछले नोटिस में जिन जिन सब्जेक्ट का जिक्र किया हुआ था उनको छोड़ करके बाकी जो बच गए, जैसे लैंग्वेज ग्रुप के जितने सारे थे, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी जिनका था, नेपाली और उर्दू, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी अब नोटिफिकेशन आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है नोटिस में। तो चलिए हम अपने ब्राउज़र पे और चलते हैं वेबसाइट पर। ये रहा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट। और चलते हैं इसके पहले सेक्शन पर जहाँ पे भी नोटिस है। तो ये पहला जो ऑप्शन है देख रहे हैं, जो माइनर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसके बारे में ये नोटिस है। तो चलिए देखें इसके अंदर है क्या। अच्छा, इसमें जो भी पहले का जो नोटिस निकला था उसी के साथ इसमें क्या क्या है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, नेपाली फर्स्ट लैंग्वेज, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, बंगाली सेकेंड लैंग्वेज जिनका है उनका सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड है, नेपाली सेकेंड लैंग्वेज जिनका है उनका इसके अंदर इंक्लूड है। तो चलिए देखें अब सिलेबस में है क्या। ठीक है, मैं यहाँ पे मेनली हिंदी जिनका फर्स्ट लैंग्वेज है उनके बारे में बताऊँगा, बट बाकी सारे भी देख सकते हैं। ओके, ये है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज जिनका है उनका सिलेबस, ये नेपाली जिनका फर्स्ट लैंग्वेज है उनका सिलेबस है, यहाँ पर उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज जिनका है उनका सिलेबस है, और ये हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है जिनका उनका सिलेबस। या देखिए साहित्य संचयन में पाद्य खंड है, गद्य खंड है, निबंध, जो भी कहानियाँ आपकी एकांकी, और ये रहा आपका सिलेबस जिसके बारे में बहुत से बच्चों ने पूछा था कि हिंदी का सिलेबस कहाँ है, तो हिंदी का सिलेबस ये रहा आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस की पूरी जानकारी इसमें इस पेज में दी हुई है। व्याकरण में कारक, वाक्य, समास, जो भी बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज में जो व्याकरण में था वही चीज़ आपका यहाँ पर भी है, और जो भी और आगे जो आता है रचना में जैसे निबंध और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो सब इसके अंदर हैं। तो हिंदी का सिलेबस यहीं तक है। ठीक है, आप देख लीजिए। अच्छा, ये PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। जिनका बंगाली सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज बंगाली है, ध्यान रखिएगा फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है, उनका सिलेबस ये नहीं है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या क्या है सिलेबस में, और साथ साथ नेपाली सेकेंड लैंग्वेज जो है उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अब पूरा का पूरा सिलेबस आ गया। ओके, अब आप अपनी तैयारी कीजिए आराम से। वैसे एक और नोटिस भी है, चलिए देखें ज़रा। एक्चुअली नोटिस में स्कूल्स के लिए ये नोटिस है, जो भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके लिए ये नोटिस है कि उनको आपके एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो भी हैं वो सब लेने के लिए, लगता तो है उन सारे के सारे लेने के लिए बुलाया गया है, और 9th क्लास में जो भी हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना है उसके लिए भी बुलाया गया है। इसका मतलब यही समझिए कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी ही कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।